आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान और उसकी डिटेलिंग। तो यहाँ पे जो है प्लॉट का लेआउट आपके सामने है, जिसका साइज है 25x45। तो यहाँ पे जो प्लॉट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ फेसिंग है और इसकी प्लानिंग जो है नॉर्थ फेसिंग वास्तु के हिसाब से की गई है और इस प्लान में आपको मैक्सिमम वास्तु मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा प्लॉट का जो फ्रंट है वो है आपका 25 फुट और इसकी जो गहराई है वो 45 फुट है। यहाँ पे जो इस प्लान में जो डिटेलिंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका एंट्रेंस पोर्च आता है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मंदिर भी मिलेगा जो कि सेपरेट होगा, किचन जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, आपको डाइनिंग रूम भी मिलेगा, बेडरूम प्लस अटैच और कॉमन बाथरूम होंगे, प्लस एक सीढ़ी होगी। तो इस प्लान में जो है आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है, प्लस आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो है इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो क्या क्या होगी, यहाँ पे हमने कंप्लीट मेंशन किया हुआ है, वो आपका होगा 2D प्लान। और 2D प्लान से ही जो है आपको यहाँ पे घर बनाने में हेल्प मिलती है, इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ 2D प्लान नहीं होगा, उसमें होगा आपका साइजेस, जहाँ पे भी किचन है, बेडरूम है, इन सब के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इस एक फ्लोर की जो है कॉस्टिंग कितनी आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्लान की ओपनिंग की, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइड्स जो है ओपनिंग मिलती है, जिससे कि आपको कोई भी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में। अगर हम बात करें इस डिज़ाइन को कि हम किस डायरेक्शन में बना सकते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको नॉर्थ फेसिंग आप बना सकते हैं वास्तु के हिसाब से। उसके बाद जो है मान लीजिए कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए होता है, तो डिज़ाइन से अगर आपको मतलब है सिर्फ, तो उसके लिए आप कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है और यहाँ पे आपको इसकी पूरी प्लानिंग और इसकी पूरी डिटेलिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस प्लान की डिज़ाइनिंग नॉर्थ फेसिंग वास्तु के हिसाब से की हुई है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलेगा। तो फटाफट से हम इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं साइजेस के साथ, प्लस और भी छोटी छोटी डिटेल होगी वो हम आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस पोर्च से शुरू करेंगे, जिसको आप एज ए वरांडा भी यूज़ कर सकते हैं, और इस वरांडा में जो है आप सीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। तो इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई आपको यहाँ पर मिलती है 12 फुट 9 इंच और इसकी जो लंबाई मिलती है वो मिलती है 6 फुट, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर घर की मेन एंट्रेंस, तो मेन एंट्रेंस डोर जो है हमने यहाँ पे 4 फुट का रखा है, जो कि क्लॉकवाइज है और सिंगल पल्ले का डोर है। अगर आप इसे डबल पल्ले का बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 5 फुट की ओपनिंग रखनी होगी, जिससे कि आप डबल पल्ले का डोर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 1.5 फुट की स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मंदिर आता है, मंदिर के साइज भी हमने काफ़ी अच्छा रखा है यहाँ पे, 6 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है। मान लीजिए कि आपको ये जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ानी है, तो आप 1 फुट तक बढ़ा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको जो है दरवाज़ा यही रखना होगा सिंगल पल्ले का, और ये जो आप 1.5 फुट देख रहे हैं ना स्पेस, यहाँ पे जो है आपको कम से कम 1 फुट आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका चेंजेस। प्लस यहाँ पे जो है इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो 12 फुट है, इस वॉल से लेके इस वॉल तक। अब हम बात करेंगे किचन की, तो किचन यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिलता है, यहाँ पे आपको कुकटॉप मिलता है, यहाँ पे फ्रिज और यहाँ पे सिंक रखने, ये तीनों पोजीशन आपको मिल जाती हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे साइज़, तो साइज़ इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट, जो कि काफ़ी बड़ा किचन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्लस किचन की जो एंट्रेंस है वो हमने रखी है यहाँ पर 3.5 फुट की। अगर आप यहाँ पे आर्क बनाना चाहते हैं, आर्क ओपन किचन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 फुट का आर्क बना सकते हैं, 4 या 5 फुट का। इधर से आप ये दरवाजा नहीं रहेगा, बीच में जो है कट आउट हो जाएगा ओपनिंग, और यहाँ पे आप आर्क बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक विंडो ऑप्शन मिलता है और इस विंडो का जो सिल होगा वो 4 फुट से शुरू होगा, क्योंकि जो काउंटर होगा काउंटर से तकरीबन 1 फुट उठा होना चाहिए वॉल, जिससे कि जो है आप खाना बनाते टाइम जो है आपका कुकटॉप या फिर कुछ उस पर रखे हुए बर्तन ना दिखें, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे भी विंडो ऑप्शन ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
किचन के आगे जो है हमारा सीढ़ी प्लस यहाँ पे डाइनिंग एरिया हमने लिया हुआ है। तो सीढ़ी के नीचे वाला जो पोर्शन है वो लोग कम यूटिलाइज करते हैं, और वास्तु के हिसाब से जो है वहाँ पे गंदी चीज़ें या फिर स्टोर रूम के तौर पे हमें को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डाइनिंग स्पेस डाला हुआ है, जिससे कि दोनों बेनिफिट हमें मिल जाएंगे। एक तो किचन पास में होगा, प्लस हमारा नीचे का एरिया यूटिलाइज हो जाएगा और साफ सुथरा भी रहेगा। तो ये वाला एरिया आपका पूरा यूटिलाइज यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे 6 लोगों की डाइनिंग टेबल हमने अरेंज की हुई है, प्लस सीढ़ी जो है आपका यहाँ से अप हो रहा है, क्लॉकवाइज आप चढ़ रहे हैं और यहाँ पे आके फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करते हैं। तो टोटल हमने जो स्टेप लिए हैं यहाँ पे 19 स्टेप हैं, और हम फ्लोर की जो हाइट रखेंगे वो 11 फुट रखेंगे, और सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो है आपका 3 फुट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज आपको मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीढ़ी का एरिया और डाइनिंग का स्पेस जो है कितने बाई कितने का है। तो यहाँ पे 7 फुट 1 इंच आपको देखने को मिल रहा है इसकी चौड़ाई, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 10 फुट 2 इंच है, जो कि ये वाला पूरा एरिया आ जाता है। और यहाँ पे जो है विंडो की प्लेसमेंट आप जो भी लैंडिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग रूम हॉल एरिया। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम आपको काफी बड़ा मिलता है, प्लस एल शेप में यहाँ पे हमने पूरी सीटिंग बिठाई हुई है, और यहाँ पे आपको एलसीडी मिल जाता है, और यहाँ पे एक सेटी हमने डाली हुई है, और इस रूम में जो है वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो अगर हम साइज की बात करें तो हम इसका पूरा साइज लेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको इसकी जो चौड़ाई है वो 16 फुट 5 इंच मिल रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 16.5 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 14 फुट 4 इंच। तो इतना बड़ा जो है आपको हॉल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट स्पेस जो है काफी अच्छी है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप यहाँ पे सीटिंग देते हैं तो। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट की। तो कॉमन टॉयलेट और या फिर वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे एक सीट होगा, एक वॉश बेसिन और बाकी जो है नहाने या कपड़े धोने का एरिया होगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो साइज है 6 फुट 8 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है, जो कि काफी अच्छा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेडरूम 1। बेडरूम 1 काफी अच्छा साइज है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे एक अटैच बाथरूम भी मिलता है, और ये जो है आप इसको अपने लिए जो है रख सकते हैं या फिर अपने गेस्ट के लिए रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूम की। तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें मिलती हैं, और ये अलमारी हमने पूरी ले रखी है, और ये कुछ इस तरीके से होगा ना कि जैसे कि आपको लगेगा कि सामने से जो है अलमारी पूरी है, लेकिन यहाँ से आपको अंदर से दरवाजा मिल जाएगा, इस तरीके से आपको बनाना होगा। बाकी जो ऊपर का जो जो लॉफ्ट होता है वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि डोर हाइट तक जो है यानी 7 या 8 फुट तक अलमारी होती है, उसके ऊपर जो एरिया बचता है वो आपका लॉफ्ट में काउंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेड कि तो बेड आपको किंग साइज मिलता है, और यहाँ पे आपको एलसीडी मिलता है। तो यहाँ पे जो है विंडो की प्लेसमेंट हम रूम में कैसे की हमने, तो यहाँ पे जो है ये अलमारी का एरिया जो है ये 2 फुट चौड़ा है, और ये जो 2 फुट छोड़ने के बाद जो है हमने इसको सेंट्रलाइज किया है, सेंटर किया है इस वॉल को, उसके बाद इक्वल इक्वल करके हमने इसको डाल दिया है विंडो को और बेड की पोजीशन। प्लस यहाँ पे एक और पोजीशन मैटर करती है, वो है इलेक्ट्रिकल की फैन की। तो यहाँ पे जो है इसका सेंटर होगा, अलमारी का जो 2 फुट एरिया है वो छोड़ने के बाद जो है इसका आप सेंटर करेंगे, जो कि यहाँ पे होगा, और वो सीधे आपके बेड पे जो फैन की हवा होगी वो सीधे बेड पे आएगी। तो ये आपको काफी अच्छा डिटेल मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो इस रूम का जो साइज है वो 12 फुट चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई होगी वो 13 फुट होगी, जो कि काफी बड़ा ये रूम है, और यहाँ पे आपको विंडो ऑप्शन भी मिलते हैं। इसके साथ जो अटैच बाथरूम है वो भी काफी बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी 12 फुट है। तो 12 फुट में जो है कुछ इस तरीके से हमने इसको लेआउट डाला हुआ है। बाकी जो भी ये लेआउट है ना, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपका ये आपका वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन आप इस वॉल पे पूरा बड़ा भी बना सकते हैं। और रही बात वॉश बेसिन की और मिरर की, तो वो आप इस वॉल पे लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा वास्तु के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए यही लेआउट रहेगा। और यहाँ पे आपका वेदिंग एरिया रहेगा। तो इसकी साइज जो है 12 फुट है, और यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है 4 फुट है।
उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे बेडरूम टू की। तो बेडरूम टू में भी आपको यहाँ पे हमने दो विंडो ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको इसकी चौड़ाई 11 फुट मिलती है और इसकी जो लंबाई है वो अलमारी के साथ 13 फुट है। तो 11 बाई 13 का ये रूम है जिसमें आपको 2 फुट की अलमारी है। बाकी सेंट्रलाइज इसको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अलमारी को छोड़ने के बाद जो है पंखे की पोजीशन सेट करें और इस विंडो की पोजीशन सेट करें। और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कोई साइड में फर्नीचर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल इक्वल हो सकता है पूरे वॉल का। अब हम एक और छोटी सी डिटेल आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि इस रूम के साथ अगर इस टॉयलेट को अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो है ये वाला बाथरूम जो है कॉमन बाथरूम बन जाएगा और ये आपका एज ए स्टोर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने आपको इस रूम का जो है साइज वगैरह सब बता दिया। अब हम बात करते हैं ये अटैच बाथरूम की। इस रूम से जो अटैच है 6 फुट 8 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है अप्रॉक्सीमेट 5 फुट 8 इंच है। अब अगर हम बात करते हैं इस प्लान के हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो इसकी कम से कम लागत कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है आपको जो लागत होगी कम से कम वो 18 से 20 लाख होगी। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्लान को एज इट इज कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो है इस बजट रेंज में जो है फिनिशिंग तक सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। डोर विंडो प्लस जो भी फ्लोर मटेरियल्स है वॉलपेपर पेंट वो सब चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। बस इंक्लूड जो चीज नहीं होगा वो है आपका लूज फर्नीचर। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी दो तीन डिटेलिंग की। तो यहाँ पे जो है आपकी जो आउटर वॉल्स हैं वो 9 इंच की हैं और इंटरनल वॉल्स जो है 4.5 इंच की हैं। और डोर के साइजेस जैसे मैंने बताया एंट्री डोर आप 4 से 5 फुट की ओपनिंग का रख सकते हैं। बेडरूम के जो दरवाजे हैं वो 3.5 फुट के रहेंगे और किचन के भी दरवाजे 3.5 फुट के ही रहेंगे। और जो टॉयलेट के दरवाजे की ओपनिंग है चौड़ाई 4 फुट की और सॉरी 2.5 फुट की ही रहेगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे जो है विंडो के जो नॉर्मल हाइट होंगी वो होगी आपका 3 फुट से शुरू होगी विंडो। और जो दरवाजे की हाइट होगी मान लीजिए आपने 8 फुट रखा है तो आपका 8 फुट तक विंडो की हाइट भी जाएगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। प्लस वेंटिलेशन की जो हाइट शुरू होती है 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट से शुरू करते हैं लोग। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है किचन की जो विंडो है बस उसकी ही सिल हाइट थोड़ी सी ऊंची होती है क्योंकि किचन के अंदर की चीजें नहीं दिखनी चाहिए जो भी आपके कुकटॉप पे रखी हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान दें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।